उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद के टूंडला में उपचुनाव को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्य योगीनाथ ने एक विशाल सभा को किया संबोधित। फिरोजाबाद के टूंडला में उपचुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि फिरोजाबाद लोकसभा सीट जिताकर जनता ने परंपरागत गुंडागर्दी को समाप्त किया और बीजेपी को जीत दिलाई। समाजवादी पार्टी ने टूंडला उपचुनाव गैंगरेप के आरोपी के पिता को टिकट देकर चुनाव में उतारा है। प्रदेश में नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले जेल में होंगे या प्रदेश से बाहर होंगे। प्रदेश में मुजफ्फरनगर जैसी घटनाएं बंद हो गई। अयोध्या में मंदिर बनने के बाद हम चाहते हैं कि यहाँ की जनता को 452 साल पुरानी इच्छा को पूरा किया जाए। भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद और जातिवाद नहीं है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 का मतलब आतंकवाद को खत्म करना। मोदी जी ने देश हित में कदम उठाया। विरोधी इसीलिए परेशान है कि आतंकवाद में भी अपना वोट ढूंढते थे। इस शुभ अवसर पर बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता एवं व्यक्ति नेता एसपी सिंह बघेल, स्वतंत्र देव सिंह भी उपस्थित रहे। इसलिए ये हम सेमीफाइनल को मान के चल रहे हैं और ये आने वाली फिल्म का ट्रेलर है, इसलिए गंभीरता से साफ चुनाव से कोई योगी जी की सरकार का अंतर नहीं पड़ता है, लेकिन आने वाले चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। जैसा आपने कहा कि मेरी जिम्मेदारी, यहाँ बूथ अध्यक्ष से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष सब लोगों ने यहाँ पर मेहनत की है और पार्टी के संगठन के आधार पर ही हम जो चुनाव जीत रहे हैं और मोदी जी और योगी जी का करिश्माई व्यक्तित्व और केंद्र और राज्य सरकार की जो लाभकारी योजनाएँ हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लाभार्थी हैं। हर गांव में किसान सम्मान निधि मिली है, हर गांव में विधवा पेंशन है, विकलांग पेंशन है, वृद्धावस्था पेंशन है, पूरे कोई ऐसा गांव नहीं इसमें शौचालय ना बने हों, आवास ना बने हों, किसानों की सम्मान निधि ना मिली हो, आयुष्मान कार्ड हैं, इसी प्रकार से इंटरव्यू समाप्त हो गया, बिना पैसे के लोगों को नौकरियां लग रही हैं। बिहार में इसी बात पे पूरा चुनाव हो रहा है कि नीतीश ने साक्षात्कार समाप्त किए हैं। उत्तर प्रदेश की भी जनता को सोचना चाहिए कि साक्षात्कार नॉन गजटेड सभी नौकरियों में केंद्र और राज्य में साक्षात्कार समाप्त करके गरीब के बच्चों को भी अधिकारी और कर्मचारी बनने का दिया, क्योंकि अब सिफारिश नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री की सूची नहीं चलेगी और चेयरमैन की मनमानी नहीं चलेगी। इन सब विषयों को लेकर के हम लोग चुनाव में जा रहे हैं और निश्चित तौर से प्रेमपाल धनगर के पक्ष में यहाँ 3 तारीख को होने वाले चुनाव में लोग कमल पर बटन दबा करके पुनः चुनाव जिताएंगे।